ये साइड एंट्रेंस के लिए अलग से बनाई हुई है, और लिफ्ट का कंसेप्ट बहुत बढ़िया है। आई रियली लाइक दिस। पूरा ग्लास लगा हुआ बहुत बड़ा देखिए, अल्टीमेट। रिसेप्शन एरिया, P6 ये P6 है, होटल जिम है यहाँ पे होटल का, और स्विमिंग पूल है होटल लॉबी, होटल में एंट्रेंस। लिफ्ट्स बहुत ही क्लासी हैं यार। उश आठ आठ फुट में कार है फॉर ओपन। यस जिम, फिटनेस सेंटर। ओके फॉर स्विमिंग पूल, हाउ टू गो देयर पूल? नाउ इफ वी वांट टू गो टू पूल, हाउ वी विल गो, बाय स्टेयर्स और दिस इज क्लोज्ड? यस, इट इज, द पूल इज क्लोज्ड, सो देयर इज नो पाथ टू गो नाउ। क्लोज्ड, इट्स क्लोज्ड नाउ। ओके ओके स्विमिंग पूल ओपनिंग टाइमिंग 8 बजे से सुबह, और ये जिम है, जिम बहुत ही यार क्लासी बनाया हुआ, देखो ओपन कॉन्सेप्ट, ऊपर से भी ओपन है। बड़े होटल्स में देखा है, पर ये जो जिम का व्यू है अमेजिंग है। और जहाँ मिरर्स हो, आपको पता ही है आपका भाई मिरर्स को, तो आई लव मिरर्स। चेंजिंग रूम,
चलिए आइए पहले चेंजिंग रूम में देखते हैं क्या होता है। एक्सक्लूसिव व्यूज फॉर स्विमिंग पूल में दिख रहा है। ट्रायल लगा हुआ यहाँ पे ये तो बहुत ही यार। और ये देखो यार ओए ओए अल्टीमेट ग्लास ही ग्लास। और ग्लास का तो दीवाना हूँ मैं। मिरर ही मिरर आई लव मिरर्स बिग मिरर्स। स्विमिंग पूल अभी टेम्परेरी बता रहे हैं थंडर की वजह से किया है, बाकी देखते हैं हम यहीं अभी देख जब तक थंडर आने का बाद भी इंतज़ार कर लेंगे। एटीन फ्लोर हमारा रूम 18th फ्लोर पे है और ये होटल माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग नया बना है और इस तरफ पहाड़ है पूरा। ये देखिए नीचे स्विमिंग पूल है। लिफ्ट्स बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी की हैं। आइए अब आपको अपना रूम दिखाता हूँ। 18, 14, 15 और इधर 1801 से 1813। लाइट बहुत मिनिमम रखी हुई है, एक अलग ही फील आती है। और अगर आप कपल हो और 1800 कौन सा हमारा रूम था 1803 था आई थिंक। ओके इसमें जो कार्ड है ना ये मैंने इससे पहले ऐसे नहीं देखा। पहले आप यहाँ पे ऐसे टच करके रखोगे तो हैंडल करोगे डाउन तो वो खुलता है। मैंने खोल के रखा है पहले। इतना बड़ा मिरर है और ये वार्डरोब का यहाँ पे टॉर्च लॉकर स्लीपर्स रूम काफ़ी स्पेशियस है। बेड बहुत ही कंफर्टेबल है। नीचे एक बुक दी हुई है और ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ब्लाइंड्स लगे हुए हैं। बाथरूम आपको भी वॉशरूम अंदर से दिखाता हूँ। इधर भी है ड्रॉर, इसमें ड्रॉयर है।
खाली है, इसमें कुछ नहीं है। नॉन स्मोकिंग फ्लोर है ये। कॉफ़ी हमने पी ली है बना के। और ये हांगकांग में एक चीज़ बड़ी कॉमन है सब जगह पे, ये ना आपको एयर प्योरीफायर ज़रूर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फ्रिज है, यहाँ पे कैटल थी और नीचे ग्लासेस और कटलरी रखी हुई है, कप यहीं था। अब आपको दिखाता हूँ व्यू। स्पेस दिया हुआ बैठने के लिए कि अगर आप ऐसे बैठना चाहते हैं। ये बहुत बढ़िया लगी मेरे को ये चीज। और ये देखिए बहुत ही बड़ा पहाड़, और यहाँ से नीचे स्विमिंग पूल दिख रहा है पूरा। और यहाँ पे अगर आप ऐसे बैठना चाहें, ये देखिए मैं आराम से बैठा हूँ लेग्स ऊपर करके। अब थोड़ा पीछे करके दिखाता हूँ, ये देखिए बैठने के लिए बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। और अगर आप बेड लगा के वहाँ लेटना चाहें, कपल हैं, कॉफ़ी पीजिए आराम से वहाँ पे। स्पेशियस है। और बाथरूम दिखाता हूँ आपको, वॉशरूम। मिरर बहुत ही अमेजिंग। और शैम्पू की और ये कंडीशनर की बॉटल इतनी बड़ी बड़ी दी हुई है ना, ये लोशन ये देखिए इतनी बड़ी मैंने पहले नहीं कहीं देखी। और इसमें ये हैंड सोप और एन को हाईलाइट किया हुआ नीना। और ये सब जगह टॉवल्स पे एन एन है, 4 स्टार के हिसाब से वेरी गुड प्रॉपर्टी। बाथटब और यहाँ भी प्रॉपर लोशन। और यहाँ बैठ के आप बेड पे अपना नज़ारा लीजिए बाहर का। से साइड एंट्रेंस है और बहुत छोटा लिखा हुआ है, हम लोग उधर से घूम के गए थे। टोटल 30 फ्लोर है इसमें, बहुत ही बढ़िया होटल है।